हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड, यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के प्रकार। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद और टाइप्स मीन्स प्रकार, अनुवाद के प्रकार। तो देयर आर फाइव मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के, अनुवाद के पांच मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं, पांच मोस्ट कॉमन प्रकार होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखेंगे। फर्स्ट है लिटरल ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शाब्दिक अनुवाद या शब्द दर शब्द अनुवाद। सेकंड है फ्री ट्रांसलेशन, स्वतंत्र अनुवाद। थर्ड है प्रोफेशनल ट्रांसलेशन, प्रोफेशनल मतलब व्यावसायिक अनुवाद। फोर है टेक्निकल ट्रांसलेशन, तकनीकी अनुवाद। और फाइव है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन, प्रशासनिक अनुवाद। ठीक है, तो देखेंगे इन सबको मैंने डिटेल बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, देखेंगे। देखो तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिटरल ट्रांसलेशन, ये है। तो देखेंगे लिटरल ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ऑफ ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट की डन किया जाता है बाय ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली। लिटरल ट्रांसलेशन शाब्दिक अनुवाद, उसी लिटरल ट्रांसलेशन को ही डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कहते हैं और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन, तो लिटरल ट्रांसलेशन को डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कह देते हैं और वर्ड टू वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऑफ ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का लिटरल ट्रांसलेशन डन किया जाता है बाय मीस के द्वारा, ट्रांसलेटिंग मीस अनुवाद, अनुवादित करके ईच वर्ड प्रत्येक शब्द को सेपरेटली। शाब्दिक अनुवाद, किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है, प्रत्येक शब्द को सेपरेटली ट्रांसलेट करके इसका अनुवाद किया जाता है, मतलब प्रत्येक शब्द का अलग अलग अनुवाद किया जाता है। जो फ्री ट्रांसलेशन में एक जनरल मीनिंग दिया जाता है, ये सामान्य अर्थ पूरे टेक्स्ट का एकदम से एक जनरल मीनिंग दे लिया जाता है, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली, प्रत्येक वर्ड को सेपरेटली ट्रांसलेट किया जाता है। इट डज नॉट पे मच अटेंशन, यह अधिक ध्यान नहीं देता अनुवाद टू द मीनिंग मीन्स अर्थ पर ऑफ ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के एज ए होल, एक संपूर्णता के रूप में, संपूर्ण रूप से किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग पर यह अधिक ध्यान नहीं देता। मतलब ये नहीं है कि एक जनरल मीनिंग नहीं लिया जाता है इसमें, एक सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता इसमें, केवल एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब एक एक शब्द को सेपरेटली ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है मैंने, यदि आपका पेपर सब्जेक्टिव टाइप आता है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेरी इफेक्टिव रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए टे एस्टो टोमेंडो एल डेलो, नहीं पेलो, इज कॉमन स्पेनिश एडियम, ये क्या है, टे एस्टो टोमेंडो एल पेलो क्या है, एक एक सामान स्पेनिश एडियम है, मुहावरा है। द लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका साहित्यिक अंग्रेजी अनुवाद इज है आई एम टॉकिंग योर हेयर, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ योर हेयर, तुम्हारे बाल से। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ देखो, सेकंड है फ्री ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन स्वतंत्र अनुवाद। इन फ्री ट्रांसलेशन, स्वतंत्र अनुवाद में ए टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड इन सच ए वे, एक टेक्स्ट को इज ट्रांसलेटेड, अनुवादित किया जाता है इन सच ए वे, इस प्रकार से दैट जो प्रोड्यूस द जर्नल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है या देता है जर्नल मीनिंग, सामान्य अर्थ,
जनरल मीनिंग सामान्य अर्थ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका एक सामान्य अर्थ प्रोड्यूस करता है। विदाउट कंसिडरिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग, क्या करें, बिना वर्ड टू वर्ड मीनिंग को, शब्द दर शब्द या शाब्दिक मीनिंग को कंसीडर किए बिना क्या देता है कि जी किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट का एक जर्नल मीनिंग प्रोड्यूस करता है, एक सामान्य अर्थ प्रोड्यूस करता है, एक मतलब भाव समझ में आ जाना चाहिए। इस फ्री ट्रांसलेशन में शब्द दर शब्द सब एक एक वर्ड को सेपरेटली ट्रांसलेट नहीं किया जाता। इसमें क्या है कि पूरे सेंटेंस का या पूरे टेक्स्ट का एक जर्नल मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, एक जनरल सेंस, भावार्थ मतलब भाव समझ में आ जाना चाहिए। फ्री ट्रांसलेशन इज मोर सुइटेबल, फ्री ट्रांसलेशन अधिक सुइटेबल होती है, अधिक उचित होती है फॉर लिटरल टेक्स्ट के लिए, साहित्यिक टेक्स्ट के लिए एंड आइडियाज विचारों के लिए, फॉर लिटरेरी ट्रांसलेशन साहित्यिक अनुवाद के लिए। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये फ्री ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके लिए लिया है। ये कबीरदास जी की पंक्ति है और जिसको ट्रांसलेट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोको कहाँ ढूंढ रहो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ठीक है, ये पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढ रहो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ठीक है, ये पंक्ति कबीरदास की है। किसमें है, ये हिंदी में है, लेकिन ये इंग्लिश में लिखी आपको दिख रही है, लेकिन ये हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी से ये इंग्लिश में क्या की गई है, ट्रांसलेट की गई है। और किसने ट्रांसलेट किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है। तो देखिए, यहाँ पर मोको कहाँ ढूंढ रहा बंदे, एक जनरल मीनिंग दिया गया है। ओ सर्वेंट वेयर डोस्ट दाउ सीक मी, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, सीक मी ढूंढता है। लो आई एम बिसाइड दी, मैं तो तेरे पास हूँ, बिसाइड। ठीक है, आई एम नाइदर इन टेम्पल नॉर इन मॉस्क्यू, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ। आई एम नाइदर इन कावा नॉर इन कैलाश, ना तो मैं कावा में हूँ ना कैलाश में हूँ। नाइदर आई एम इन राइट्स, ना मैं तो रीत रिवाज ना परंपराओं में हूँ। नॉर इन योगा, ना योग में हूँ ना रिनन्सिएशन, जो जो परंपराएं निभाई जाती हैं उनमें हूँ। ओ इफ दाउ आर्ट ट्रू सीकर, यदि तू सच्चा सीकर है, यदि सच्चा ढूंढने वाला है, तो दाउ साल्ट एट वंस सी मी, तू तो मुझे एक तुरंत ही मुझे देख सकता है। दाउ साल्ट मी मीट मी इन ए मोमेंट एट ए टाइम, तो इसी क्षण तू मुझे देख सकता है, मतलब मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, तू मुझे मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढता है। ठीक है, कबीर से इस तरह से ये क्या है, एक कहेंगे कि फ्री ट्रांसलेशन का उदाहरण है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे थर्ड टाइप, प्रोफेशनल ट्रांसलेशन, व्यावसायिक अनुवाद। प्रोफेशनल ट्रांसलेशन इज ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन, प्रोफेशनल ट्रांसलेशन व्यावसायिक अनुवाद एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेशन, एक विशेष अनुवाद होता है। रिक्वायरिंग, जिसमें आवश्यकता होती है, द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता होती है। उच्चतम गुणवत्ता, हाईएस्ट क्वालिटी मतलब उच्चतम गुणवत्ता स्तर की आवश्यकता होती है। एंड इट इज ए अप्लाइड टू डिफरेंट एरियाज एंड इंडस्ट्रीज। इट इज अप्लाइड, इसको अप्लाइड किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, टू डिफरेंट अलग अलग एरियाज में एंड इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ए प्रोफेशनल ट्रांसलेशन मस्ट बी कैरीड आउट बाई ए नेटिव ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, ए प्रोफेशनल ट्रांसलेशन, सॉरी, ए प्रोफेशनल ट्रांसलेशन एक व्यावसायिक अनुवाद मस्ट बी कैरीड आउट, किया जाना चाहिए, कैरीड आउट मीन्स किया जाना चाहिए, और मस्ट बी मतलब सहायक क्रिया है, बाई मीन्स के द्वारा, ए नेटिव, नेटिव मीन्स होता है एक मूल निवासी के द्वारा, ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के मूल निवासी के द्वारा इसको किया जाना चाहिए।
विद मीस के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ इसको किया जाना चाहिए। टू द गारंटी द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट, टू द गारंटी, गारंटी का मतलब एक तरह से कह लीजिए सुनिश्चित, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, सुनिश्चित गुणवत्ता ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट की एक सुनिश्चित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ टारगेट लैंग्वेज के एक नेटिव के द्वारा, एक मूल निवासी के द्वारा इसको किया जाना चाहिए। क्योंकि एक सोर्स टेक्स्ट से एक टारगेट टेक्स्ट में मतलब इसको ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया जाता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में। जैसे मान के चलिए सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, टारगेट टेक्स्ट वो टेक्स्ट होगा जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे एक हिंदी का टेक्स्ट है और एक कोई भी हिंदी टेक्स्ट है, उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सोर्स टेक्स्ट तो हो गई हमारी, या सोर्स लैंग्वेज हो गई हमारी हिंदी, और जिसमें हमारा टारगेट है इसको ट्रांसलेट करने का, किसमें टारगेट है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, तो इंग्लिश हो गई हमारी टारगेट लैंग्वेज या टारगेट टेक्स्ट। तो भाई जिस जिस टारगेट लैंग्वेज में हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, उसी टारगेट लैंग्वेज का नेटिव व्यक्ति, मूल निवासी व्यक्ति इसको ट्रांसलेट करेगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से इसको ट्रांसलेट कर पाएगा। क्योंकि उस राष्ट्र की उसे भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम इंडियन है तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो भाई इंग्लिश तो हमको आती है बट उतनी बेटर नहीं आती जितनी मतलब इंग्लैंड के लोग, जिनकी मूल भाषा इंग्लिश है, उतनी बेटर नहीं हमको आती, और जितनी बेटर हिंदी भाषा हमको आती है उतनी अदर को नहीं आती। तो जिस देश का, जिस लैंग्वेज का वो नेटिव है, उसी नेटिव के द्वारा इसको कैरी आउट किया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वुड बी मेडिकल ट्रांसलेशन और द लीगल ट्रांसलेशन। तो एग्जाम्पल वुड बी मीन्स होगा एक मेडिकल ट्रांसलेशन। मेडिकल ट्रांसलेशन जो की जाती है वो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन के अंतर्गत आती है। और लीगल ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन मतलब कानूनी ट्रांसलेशन, कानूनी अनुवाद जो किए जाते हैं वो भी प्रोफेशनल ट्रांसलेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट है टेक्निकल ट्रांसलेशन, तकनीकी अनुवाद। टेक्निकल ट्रांसलेशन, तकनीकी अनुवाद इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मीनिंग ऑफ ए टेक्निकल टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो टेक्निकल ट्रांसलेशन, तकनीकी अनुवाद इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है ऑफ ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर करने की, द मीनिंग मीन्स अर्थ को, ऑफ ए टेक्निकल टेक्स्ट, किसी भी टेक्निकल टेक्स्ट को फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में। कहने का तात्पर्य तकनीकी अनुवाद वो है अनुवाद की, ट्रांसफर करने की वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी टेक्निकल टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में उसके मीनिंग को ट्रांसफर किया जाता है। दिस रिक्वायर्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। दिस रिक्वायर, इसको आवश्यकता होती है या इसमें आवश्यकता होती है साइंटिफिक, वैज्ञानिक और टेक्निकल, तकनीकी नॉलेज की, ज्ञान की, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रोफाइसियंसी की आवश्यकता होती है, प्रोफाइसियंसी का मतलब होता है निपुणता या दक्षता की। ठीक है, मतलब साइंटिफिक और मेडिकल क्षेत्र में नॉलेज के साथ साथ इसमें एक निपुणता की आवश्यकता होती है। इन यूज में, इस प्रयोग में ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रौद्योगिकी के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। एंड जार्गन इन बोथ द, जार्गन का मतलब होता है एक तरह से सरल शब्दों में शब्द जाल, सरल शब्दों में एक शब्द जाल की आवश्यकता होती है।
इन बोथ मीन्स दोनों, द सोर्स लैंग्वेज भी यहाँ लगा सकते हैं हम चाहें तो, सोर्स लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। अभी मैंने सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों को समझाया था। सोर्स लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज से हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, और टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल ट्रांसलेशन, ए सेफ्टी डाटा सीट फॉर द टेक्निकल इंडस्ट्री। सेफ्टी डाटा सीट को जो ट्रांसलेट किया जाता है फॉर टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए, और द प्रोडक्ट सीट, और प्रोडक्ट सीट को फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इस तरह से ये इसका उदाहरण के रूप में, यदि आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और आगे नेक्स्ट चलेंगे। देखेंगे लास्ट है 5, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन क्या होती है? प्रशासनिक अनुवाद। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन प्रशासनिक अनुवाद रेफर्स वर्णन करता है टू द ट्रांसलेशन अनुवाद का ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट का, व्यावसायिक टेक्स्ट का, व्यावसायिक टेक्स्ट की ट्रांसलेशन को का वर्णन करता है। यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, बाय बिजनेस, बिजनेस के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा, कॉरपोरेशन मतलब होती हैं एक कह लीजिए कि कोई भी बड़ी व्यावसायिक कंपनियां, बड़ी व्यावसायिक कंपनियां, गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, मिनिस्ट्रीज के द्वारा, मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज मतलब मंत्रालय के द्वारा, म्यूनिसिपालिटीज मतलब कहेंगे कि नगर पालिकाओं के द्वारा, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, अन्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, प्रोसेस ऑफ देयर डेली एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट प्रोसेस। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, देयर डेली एडमिनिस्ट्रेटिव उनके दैनिक प्रशासनिक और मैनेजमेंट प्रोसेस के दौरान। ठीक है, मतलब वो इन सब के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ही हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।